सब मस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको ऑनलाइन शॉपिंग की वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहती है, तो आज की वीडियो भी कुछ इसी प्रकार की है कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप स्नैपडील से शॉपिंग किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आप इसे पहली बार चला रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम आप इसे यूज कर रहे हैं, तो आप इससे ऑर्डर किस तरीके से कर सकते हैं, किसी भी सामान को आप मंगा किस तरीके से सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो यही होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप लोग चैनल पर नए हो, आपने पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो और भी आगे आपको देखने को मिलती रहे। तो देखिए मैं आ चुका हूँ अपने स्नैपडील अकाउंट पर। यहाँ आने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। अब दोस्तों इसका यदि आपको अकाउंट बनाते नहीं आता, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, आप वहाँ से देखकर इसका अकाउंट जो है बना सकते हैं। इतना करने के बाद इस तरीके का इसका इंटरफेस ओपन होता है। अब हमें यहाँ सिंपल सा किसी एक प्रोडक्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आपको बताने के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ पर आए। तो हम इस शूज को ही सिलेक्ट करते हैं। देखिए किसी को भी ले लेते हैं, आप अपने मनपसंद का जो भी सामान लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब यहाँ से इतना करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। अब दोस्तों देखिए हम इसी सैंडल को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसा फ्लिपकार्ट मीशो अमेजोन पे आप लोग करते हैं, वैसा ही थोड़ा सा इसी का इंटरफेस है, लेकिन थोड़ा सी जो है इसकी रोलिंग अलग है, इसकी सेटिंग अलग है, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो इतना आने के बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना, बायनो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं, अब जो सा भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, यदि साइज वाला ले रहे हैं तो आपको यहाँ साइज जो है अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 7 नंबर को सेलेक्ट करते हैं, फिर बायनो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए फिर इस तरीके का लोडिंग होगा, प्रोसेसिंग चलेगी, उसको आपको चलने देना है। इतना होने के बाद देखिए इस तरीके का इंटरफेस, नया इंटरफेस जो है आपके सामने ओपन होगा कुछ सेकेंड की प्रोसेसिंग के बाद। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो है ये ओपन हो चुका है। यहाँ हमारा डिलीवरी एड्रेस आ चुका है, एड्रेस भरना आप जानते हैं, चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। ये एड्रेस वैसा ही बनाना है जैसा आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो पर बनाया हुआ है, वैसा ही इसका एड्रेस भी बनाना रहता है, तो बड़ी बात नहीं है। इतना आने के बाद देखिए सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, आपको इस पर क्लिक करना है इस तरीके से। जैसे ही क्लिक करते हो अब आपके सामने पेमेंट वाला ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा, मतलब कि जब हम पेमेंट करते हैं किसी भी ऑर्डर को, वो वाला मोड हमारे सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम। तो आप आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से पेमेंट करना अच्छा समझते हैं। मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा अभी के लिए कि आप कैश ऑन डिलीवरी ही किया करना। ऑनलाइन शॉपिंग यदि करते हैं तो आपको कैश ऑन डिलीवरी ही करना है, इससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करना है इस तरीके से। देखिए हम करते हैं इस तरीके से, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, यूपीआई से यदि आपको करना हो तो यूपीआई आईडी से भी। तो देखिए यहाँ से हमने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। इतना करने के बाद देखिए फ्लिपकार्ट मीशो में यहाँ इस साइट प्लेस ऑर्डर करने को आता है, लेकिन इस पर इसी जब जैसे ही आप पेमेंट मोड पर क्लिक करोगे वहीं पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ देखिए प्लेस ऑर्डर लिखा हुआ है, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। देखिए इस तरीके की प्रोसेसिंग होगी, उससे आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अब मात्र यदि आपने कैश ऑन डिलीवरी करते हो, देखिए इस तरीके का आपका ऑर्डर हो चुका है। अब यहाँ से आप व्यू ऑर्डर डिटेल्स देख सकते हैं कि आप यहां से चेक भी कर सकते हैं अपने ऑर्डर को, जिसको भी आपने किया है। तो इस पर शॉपिंग करना बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता, इस तरीके से आप जो है इसमें शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर को मंगा सकते हैं। तो आज देखिए यहां से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर कहां से कहां तक पहुंच चुका है। तो आई होप जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था और समझाना चाहता था और सिखाना चाहता था वो आपको समझ पर आया होगा। यदि आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो, ऐसा कंटेंट और भी आगे आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो हम करते हैं, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।